Assalamu alaikum everyone, welcome you all in this CAP 1 Financial Accounting and Reporting Orientation class. I hope everyone is doing good and please do let me know ki aap logon ko meri awaaz clear aa rahi. Thank you so much, Hassam, Afaq, Talha, Rahman. Thank you so much, Ikra. Okay, guys. So let's start this session, guys. गाइज आज इस ओरिएंटेशन क्लास में विल टॉक अबाउट द पेपर स्ट्रक्चर कि पेपर स्ट्रक्चर क्या है हमारा अभी तक क्योंकि रिगार्डिंग न्यू सिलेबस अभी तक पेपर स्ट्रक्चर की गाइडलाइंस नहीं आई बट मोस्ट प्रोबेबली जो ओल्ड आपका पेपर स्ट्रक्चर है वही चल रहा होगा तो विल बी टॉकिंग अबाउट जो अभी तक हमारा पेपर स्ट्रक्चर है और जैसे ही न्यू गाइडलाइंस आएंगी देन विल टॉक अबाउट दैट एज वेल के नया पेपर स्ट्रक्चर क्या है उसके बाद गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलेबस कि हमारा सिलेबस क्या है इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से एरियाज हैं जिन पे हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो एग्जाम में कंफर्म है कि आएंगे Then we'll talk about our course plan के हम लोगों ने जो course है उसको कैसे plan किया है तो फिर हम इस पर बात करेंगे So now guys let's start from paper structure guys कि हमारा एग्जाम में क्या पेपर स्ट्रक्चर होगा गाइस ये पेपर स्ट्रक्चर हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं दैट इज ओल्ड क्योंकि जो न्यू स्कीम है उसमें अभी तक आईकैप ने न्यू पेपर स्ट्रक्चर की गाइडलाइंस नहीं दी तो वी आर रिज्यूमिंग कि जो ओल्ड पेपर स्ट्रक्चर है वही कंटिन्यू है अभी तक और जैसे ही गाइडलाइंस आती हैं प्रोबेबली इन अ डे आर इन टू डेज देन विल टॉक अबाउट अगर कोई चेंजेस हुई तो और अगर कोई चेंजेस ना हुई तब भी मैं ये बात कर रहा हूँ तो आई एम अज्यूमिंग के सेम पेपर स्ट्रक्चर जो ओल्ड था वो कंटिन्यू रहेगा गाइज देर वुड बी टू सेक्शन एक सेक्शन ए है आप लोगों का सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं होते comparatively easy question 8 marks se zyada weightage nahi hogi section a mein kisi bhi short question ki then we have guys multiple choice questions with one or more than one correct choices or maybe fill in the blanks so in other words hum keh sakte hain ki multiple task questions maybe multiple choice questions maybe fill in the blanks maybe true and false तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस नजर आएंगे यूजली जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे दे विल कैरी 25 टू 35 मार्क्स कभी 30 मार्क्स का आ जाता है ये वाला पार्ट सेक्शन है कभी 35 मार्क्स आ जाते हैं कभी 28 तो इन बिटवीन कहीं 25 टू 35 सेक्शन है होगा एंड अगर सेक्शन ए 25 मार्क्स का हुआ तो ऑब्वियसली सेक्शन बी 65 मार्क्स हो 75 मार्क्स का होगा और अगर ये 35 मार्क्स का हुआ तो ये 65 तो एग्जैक्टली इसी तरह स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं अब सेक्शन ए में कंपैरेटिवली ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि मार्क्स ज्यादा नहीं है तो एग्जामिनर के पास ज्यादा चॉइस नहीं है कि वो बहुत मुश्किल मुश्किल एडजस्टमेंट्स और बहुत लेंथी क्वेश्चंस बना सके इन सेक्शन है देन गाइज वी हैव सेक्शन बी सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन 20 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा
द मैक्सिमम मार्क्स जो कि एक क्वेश्चन कैरी करेगा दैट वुड बी 20 मार्क्स. देन 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 18 मार्क्स, 15 अप टू 20 मार्क्स है ये. यूजली यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े एक्सटेंसिव होते हैं, एक अच्छी एडजस्टमेंट्स के साथ होते हैं. तो गाइस हमारा ये पेपर स्ट्रक्चर है. सो वी हैव नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस. सिलेबस गाइडलाइंस एग्जामिनर ने, आई कैप ने हमें प्रोवाइड कर दी है कि व्हाट इट वुड बी द सिलेबस ऑफ एवरी पेपर. तो सिलेबस गाइडलाइंस आर देयर, बट द पेपर स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक आई कैप खामोश है. तो दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग कि पेपर स्ट्रक्चर वही है, बट ऑब्वियसली द सिलेबस हैज बीन अपडेटेड. तो हम सिलेबस एग्जैक्टली नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहे होंगे. सो गाइस व्हाट इज द सिलेबस, क्या कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कौन से सिलेबस एरिया की कितनी वेटेज है, तो इस पे अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आपने कल ही हमें सिलेबस गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी. सो गाइस इसमें क्या है, अब लेट्स टॉक अबाउट के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वन है, विच इज कैप वन नाउ, इसका सिलेबस क्या है. गाइस तीन एरियाज में सिलेबस डिवाइडेड है. द फर्स्ट एरिया इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर हमने थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो वी हैव एन आइडिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं. बट ऑब्वियसली अगर हमने नहीं भी पढ़ा हुआ तो विल टॉक अबाउट ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बेसिक एज वेल. बट फॉर नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गाइस. हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी कहते हैं, एंड ओसीआई जिसे आजकल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहा जाता है. देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं. देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जिसमें हम कैपिटल, ऑनर का जो कैपिटल है, ऑनर की जो इक्विटी है वो चेंज हो रही होती है, उस पर हम बात करते हैं. देन वी हैव कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश का आना और कैश का जाना सारा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. सो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, हम एक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं. एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज नोट टू द अकाउंट्स. ये पांच फाइव सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइव एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. आप तो इनको हम कहते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स. गाइस FR1 में जिन चीजों पे हम लोग बात कर रहे होंगे वो कौन सी हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये फाइव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टोटल होती हैं हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वन में. इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम इस पे बात कर रहे हैं. गाइस हम लोग IS-1 को देख रहे होंगे लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को हम लोग देख रहे होंगे. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसका मतलब यह है कि इनकम स्टेटमेंट और SOFP स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है, ज्यादा एग्जामिनर पूछ भी नहीं रहा होता. बट यस वी हैव गाइडलाइंस फ्रॉम द आईकैप के जो आप पुराने पेपर्स में पढ़ के आए हुए हैं, अब आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, बट ऑब्वियसली वी विल अज्यूम के जो इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर Exam 2 है, अब कुछ लोगों का पास है वो ऑलरेडी, कुछ लोगों ने पढ़ा था, कुछ लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, बट विल अज्यूम कि वहां पे जो भी नॉलेज है वो हमें आता है, एंड हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कवर करेंगे ड्यूरिंग दिस क्लास. सो गाइज इनकम स्टेटमेंट एंड SOFP क्योंकि पुराने पेपर में थी तो विल अज्यूम कि हमें ये भी आता है और हम इसके भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, बट स्पेसिफिकली जो हमारे सिलेबस का पार्ट है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी
हम बनाना सीखेंगे, ऑब्वियसली हम ये पहले नहीं पढ़ के आए हुए, एंड इट विल कैरी अप टू 20 मार्क्स. अप टू 20 मार्क्स हो सकते हैं. यूजली ये बड़ा क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे. और इफ इट विल कैरी 20 मार्क्स, इसकी वेटेज 20 मार्क्स तक हो सकती है, तो इट मींस के ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है. बट ऑब्वियसली ये सेक्शन ए में भी आ सकता है, क्योंकि 8 मार्क्स भी पूछे जा सकते हैं आउट ऑफ स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी. ये होता क्या है, कैपिटल ऑनर जो भी आपको दे रहा है उसमें से कुछ ड्राइंग्स हो रही हैं, वो फर्दर कैपिटल दे रहा है, तो कैपिटल कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, ये सारी मूवमेंट्स यहाँ पे होती हैं. वी कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. जिसे आप कैपिटल कहते हैं, ऑनर का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है बिजनेस में, उसे सोल ट्रेडर में, ऐसे बिजनेसेस में जिसको एक बंदा रन कर रहा है उसमें कैपिटल बोलते हैं. बट इन कंपनीज उसी कैपिटल का नाम गाइज होता है इक्विटी. उसी कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो ये 20 मार्क्स गाइज कैरी करेगा, हम इसको देख रहे होंगे. देन गाइज जो अगली स्टेटमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट है, स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस का पार्ट है और हम इसको देख रहे होंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज गाइज I7, इसमें भी पोटेंशियल है कि ये 20 मार्क्स कैरी कर सकता है. ये 20 ब्रैकेट्स में मीन्स कि 20 मार्क का ये सिलेबस वेटेज हो सकती है, इसमें 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन बन सकता है. देन गाइज आफ्टर दिस हम लोग इम्पैक्ट ऑफ एरर्स को अंडरस्टैंड करेंगे. इसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरिया में हम बात करेंगे कि अगर डिफरेंट एरर्स होते हैं तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किस तरह इम्पैक्ट लेके आती है. सर देन एक नया टॉपिक जो कि ऐड हुआ है, एक्चुअली वी विल से कि FR2 से शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, दैट इज ISA8. ये भी इसी एरिया का टॉपिक गिना जाता है, दिस इज ISA8. ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट चेंज हो जाए, एरर्स हो जाए तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होएगा, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और किसी भी लेवल पे, इवन CFAP लेवल पे, विच इज आपकी फाइनल एडवांस रिपोर्टिंग, उसमें भी इस स्टैंडर्ड को कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है. एग्जामिनर का जब दिल करता है कि एक मुश्किल क्वेश्चन बनाना है, तो वो IS10 IS8 में से क्वेश्चन बनाता है. सो आई वुड से कि वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड जिसपे आप देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इज IS8 गाइस. अभी न्यू एडिशन है, FR1 में नहीं था, शिफ्ट हुआ है. FR2 में था पहले, FR2 से शिफ्ट हो गया यहाँ पे FR1 में, और FR1 से एक टॉपिक भी किया है FR2 ने. वो कौन सा टॉपिक है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. देन गाइस इसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वी हैव नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता है कुछ NGOs होती हैं, NGOs ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही होती, बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. जिसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें तो हमारे एडी साहब की जो फाउंडेशन है, एडी फाउंडेशन, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, चंदे लेते हैं, डोनेशंस लेते हैं, फिर वो लोगों की वेलफेयर पे वो पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, क्लब्स, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमने बनानी होती है. विल टॉक अबाउट, हम उसे कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसे हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स. तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स पढ़ेंगे, और ऑब्वियसली उनकी बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे. तो ये भी 20 मार्क्स का टॉपिक है. अब तो ऑब्वियसली जिनके साथ मैंने 20 मार्क्स नहीं लिखे हुए, इट मींस कि वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स का टॉपिक है. देन गाइज कैश फ्लोज की इंपॉर्टेंस पे इन एनालिसिस हम बात कर रहे होंगे इसी एरिया में. सो दीज आर द सब एरियाज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कितने मार्क्स की वेटेज है एग्जाम में, 35 to 45 मार्क्स की वेटेज है इस पूरे के पूरे एरिया की. अब गाइस अगर आप आज ही मेरे से पूछें कि सर इसमें से कौन सी चीज है जो कि आएगी, किस तरह पेपर सेट होगा, और ये 35 to 45 मार्क्स की वेटेज कैसे बनेगी,
तो एग्जामिनर ने जो न्यू गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की हैं उसमें एक बहुत अच्छी बात है, और वो अच्छी बात क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जामिनर ने कहा है ऐसे टॉपिक्स जो कि फर्स्ट टाइम न्यू एडिशंस हैं सिलेबस में, यानी वो सिलेबस का पहले पार्ट नहीं थे अभी आए हैं, वो मैं पहली दफा 8 मार्क्स का पूछूंगा। अब ये एग्जामिनर की गाइडलाइंस हैं, जो न्यू गाइडलाइंस सिलेबस गाइडलाइंस आई हैं, उसमें क्या पूछा, क्या बोला है उसने कि जो न्यू टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं वो मैं सिर्फ इस दफा 8 मार्क्स का पूछूंगा। सो आई वुड से कि यू विल हैव अ क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऑन आइस 8 दिस टाइम। उसके बाद इसकी वेटेज 20 मार्क्स वाली हो जाएगी। सो फॉर दिस अटेम्प्ट आईएस 8 आप ये कह सकते हैं कि 8 मार्क्स का पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, और ये एग्जामिनर गाइडलाइन फॉलो भी करेगा। तो कोई भी न्यू टॉपिक 8 मार्क्स तक का पूछेगा पहली दफा। सो इट मीन्स कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि आईएस 8 में से 8 मार्क्स वो पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, FR2 का था, के लेवल का था, वहां से यहाँ पे शिफ्ट किया उन्होंने FR1 में, तो आई वुड से 8 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। देन गाइज, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी उसने पूछा है, यूजली स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट करते हैं एग्जामिनर को इस एरिया को लेके, तो इसलिए बड़ा फेमस एरिया है आपके एग्जामिनर का। सो आई वुड से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से दो टॉपिक्स, आप कह लो कि इन 3 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स को पूछेगा अंडर दिस सिलेबस रेफरेंस ए ग्रेड। इन 3 में से आप ये कह लें कि 2 आपसे पूछेगा। आप ये कह सकते हैं कि ये यूजली ये कैरी कर रहे होंगे मार्क्स 15 to 20 के बीच में। अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछ लेता है तो इट कैन कैरी 8 मार्क्स से लेके, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और ये आपके सेक्शन बी में भी आ सकता है। तो गाइस इन 3 में से आप यू विल अज्यूम कि यार 2 टॉपिक्स आने हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि यार 1 टॉपिक छोड़ देते हैं हम लोग। आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये दो इनमें से 2 टॉपिक्स आएंगे, अब वो कौन से 2 हैं ये आप लोगों को श्योर नहीं है, बट ऑब्वियसली आएंगे। तो यूजली इट विल कैरी 15 15 मार्क्स, तो 30 मार्क्स के इन 3 टॉपिक्स में से कोई सिर्फ 2 टॉपिक्स आ जाएंगे, तो ये सेक्शन से बन गए 38 मार्क्स। सर व्हाई कैश फ्लो इज इम्पॉर्टेंट इन एनालिसिस, ये जो चीज है ना, ये व्हाई कैश फ्लो इज इम्पॉर्टेंट इन एनालिसिस, ये न्यू है, न्यू इन द सिलेबस है। तो सर अब अगर ये न्यू है और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये एग्जामिनर थ्योरी सेट करेगा 4 मार्क्स की, 5 मार्क्स की, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बनेगा आउट ऑफ दिस सेक्शन। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल पे पढ़ा या नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली वी विल कवर दैट एज वेल। उसमें इनकम स्टेटमेंट और SOFP पे हम बात करते हैं। जी सर, इनकम स्टेटमेंट और SOF भी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी पढ़ना है, तो सबसे पहली बात हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्यों जरूरी है, इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। तो वी विल से कि यार एग्जामिनर की पूरी कोशिश होगी कि ये सारे के सारे एरियाज को वो टेस्ट करे इन योर एग्जाम। अब सारी की सारी चीजें टेस्ट करता क्यों एग्जामिनर गाइस, ये जो सेक्शन ए है हमारे पेपर स्ट्रक्चर में, ये एक्चुअली उसने डेवलप ही इसलिए किया है कि वो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सके। ऐसी चीजें जो कि वो यहाँ पे नहीं पूछ सकता, अगर सिर्फ 20 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते तो ये तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस होते, तो एग्जामिनर क्या करता, सिर्फ 5 टॉपिक्स को पूछ सकता। उसने सेक्शन ए बनाया ही इस पर्पस के साथ है कि यार मैं पूरे के पूरे सिलेबस में से मेजोरिटी चीजें टेस्ट कर सकूं। तो जो चीजें उसने टेस्ट करनी है वो चाहता है टेस्ट करना, और ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज में टेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो वो यहां पे आप लोगों को नजर आ जाएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस में, नजर आ जाएंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, नजर आ जाएंगी, लेकिन आपको नजर आएंगी। सो इट मींस के वी डोंट हैव अ चॉइस कि आप
कुछ टॉपिक्स को छोड़ के चले जाओ और कुछ टॉपिक्स को कर लो। आपको हर टॉपिक को इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर करना है कि यार ये एग्जाम में हमें टेस्ट होगा। सो दिस वाज द एरिया गाइस जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। मैं समराइज कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गाइस जो टॉपिक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी F1 का टॉपिक है, कैश फ्लोज F1 का टॉपिक है, एंड यस वी हैव सम नोट्स टू द अकाउंट्स एज वेल जो कि हमें प्रिपेयर करने हैं कुछ स्टैंडर्ड्स के, उन पे मैं भी बात करूंगा। सो वी हैव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिल कैरी 35 to 45 मार्क्स गाइस। सेकंड जो ग्रेड है दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है बेसिक कॉन्सेप्ट्स गाइस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आप कह लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है, एसेट की डेफिनेशन क्या है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, जो प्रॉपर वाली डेफिनेशन है जो कि स्टैंडर्ड पढ़ने वाला और स्टैंडर्ड डेवलपर्स फॉलो करते हैं। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखे हुए हैं। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखे हुए हैं ये भी हम लोगों ने रीड करने हैं। दिस इज आपका जो ग्रिड है सेक्शन बी है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो पार्ट बी ऑफ द सिलेबस है उसमें आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना है, एंड द सेकंड थिंग जो हमने यहाँ पे पढ़नी है दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है गाइस? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम अकाउंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं। हम लोग तीन पेपर्स पढ़ते हैं कैफ लेवल पे, कैफ लेवल तक हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ते हैं, देन F1 पढ़ते हैं और F2 पढ़ते हैं। और इसमें हम क्या सीख रहे होते हैं कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये हम जिन लोगों के लिए बना रहे होते हैं वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, विच आर इन्वेस्टर्स। तो ये हम इन्वेस्टर्स को ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना के, कैश फ्लोज बना के, नोट्स टू द अकाउंट्स बना के ये बताते हैं कि भाई जान आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एज ए इन्वेस्टर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं किसी भी बिजनेस में पैसे लगा सकता हूँ। और मैं जब पैसे लगाने का सोच रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट दूसरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से बेहतर है या बेहतर नहीं है। सो वी नीड टू इंटरप्रेट। एज ए इन्वेस्टर आप इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सा बिजनेस, दो बिजनेसेस लेके आप कहते हैं यार कौन से बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए। सो हाउ टू इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कौन सी चीज बेहतर है, कौन सा बिजनेस बेहतर है, कौन सा बिजनेस बेहतर नहीं है। तो यूजली हम ये कुछ रेशियोज के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वी कॉल इट रेशियो एनालिसिस एज वेल। तो हमारा ये टॉपिक है। अब ये कंपल्सरी टॉपिक है गाइस। देखिए दो एरियाज हैं एंड जो वेटेज है वो 20 to 30 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि यू शुड कंसिडर के इसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन दो टॉपिक्स में से आएगा। लेकिन इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो कौन कौन से एरियाज हैं इस सेक्शन में, वी हैव रेशियो एनालिसिस गाइस, इसमें 20 मार्क्स की वेटेज है। अब रेशियो एनालिसिस करते वक्त वी विल अंडरस्टैंड विंडो ड्रेसिंग एज वेल। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है कि लोग गलत जानबूझ के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में गलतियां करते हैं जानबूझ के और चीजों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो हम रेशियो एनालिसिस में ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि लोग विंडो ड्रेसिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजों को वो बेहतर करके दिखाने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए ज्यूम करो कि आपने लोगों को बताना है कि आप बहुत अमीर इंसान हो, तो इसका मतलब क्या है, आप अपने एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश करोगे। आप लोगों को बताओगे मेरे पास तो बहुत एसेट्स हैं। अब हैं या नहीं है, अगर हैं और आप बता रहे हो तो इसका मतलब है दिस इज नॉट विंडो ड्रेसिंग, ये तो आप फेथफुली बता रहे हैं कि जो मेरे पास है मैं वही बता रहा हूँ। बट आपके पास नहीं है फिर भी बता रहे हैं दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, आप अपनी बैलेंस शीट में खामखाया लिख रहे हैं इस तरह की चीजें। आप अपनी लाइबिलिटीज को कम करने की कोशिश करेंगे कि यार मेरे ऊपर तो लाइबिलिटीज नहीं है, आप अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हो। आप ये बताना चाह रहे हो कि हमारी इनकम्स तो बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी इनकम्स को इन्फ्लेट करेंगे, बढ़ाएंगे, दिस इज विंडो ड्रेसिंग का इम्पैक्ट ऑन रेशियो एनालिसिस। तो अप टू 20 मार्क्स वी वुड से कि कंपल्सरी क्वेश्चन अप टू 20 मार्क्स ऑन रेशियो एनालिसिस होगा। इसका मतलब है रेशियो एनालिसिस इज अ मस्ट एरिया फॉर F1। तो अब ये कंफर्म टॉपिक है जो आएगा। देन वी हैव कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसमें से 10 मार्क्स पूछे जा सकते हैं गाइस, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके सेक्शन ए में, आप कह लेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कंफर्म है कि आपको पेपर में आएगा
obviously majority situation mein it would be from section in section A short questions. Then guys, again we have new topic, jo new addition in FR1 wo hai IS-33. ये FR2 में भी नहीं था पहले. ये एडवांस रिपोर्टिंग में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जो आप लोगों की एडवांस रिपोर्टिंग है, CFAP की रिपोर्टिंग है, उसमें था. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है. अब इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड उन लोगों को लग रहा था कि हम थोड़ा लेट कर जाते हैं पढ़ाने में, तो उन्हें लगा कि ये इनिशियल स्टेजेस पे पढ़ाना चाहिए. तो एक स्टैंडर्ड है गाइज, अर्निंग पर शेयर, कि एक कंपनी कितना अर्न करती है एक शेयर के बदले. तो एक ये एक रेशो है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ये रेशो कैलकुलेट करने पे एक स्टैंडर्ड है. ऑल्दो इसकी वेटेज 20 मार्क्स है, लेकिन मैंने कहा कि एग्जामिनर की गाइडलाइंस हैं कि जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं हमारे सिलेबस में वो इस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो मैक्सिमम पूछेगा 8 मार्क्स के लिए. तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि EPS के ऊपर, अर्निंग पर शेयर के ऊपर, वी कॉल इट EPS, अर्निंग पर शेयर का जो स्टैंडर्ड है 33, इसमें से 8 मार्क्स इस दफा कन्फर्म पूछेगा. सो गाइज, कौन से दो न्यू एरियाज ऐड हुए हैं हमारे सिलेबस में? IS-8 था, ये पूछेगा इस दफा 8 मार्क्स का. एंड वी हैव IS-33 एज वेल, जो कि बिल्कुल इंटायरली न्यू टॉपिक है फॉर कैफ लेवल. पहले ये टॉपिक नहीं था एट कैफ लेवल, तो हम कहते हैं कि यार ये भी अप टू 8 मार्क्स ये पूछेगा इस दफा, क्योंकि ये पहली दफा ऐड हुआ. सो दिस इज द सेकेंड एरिया गाइज. अब अगर आप इसको डेवलप करें, 30 मार्क्स पूरे करने की कोशिश करें या इन बिटवीन कहीं कोशिश करें, तो आप ये अज्यूम कर लें कि 15 मार्क्स वो रेशो एनालिसिस में से पूछेगा, 5 टू 8 मार्क्स वो यहां से पूछेगा, 5 टू 8 मार्क्स और 5 टू 8 मार्क्स यहां पे पूछ लेगा वो. आप इसको कर लें 5 टू 8 और इसको भी 5 टू 8 कहीं इन बिटवीन, और टोटल 30 मार्क्स यहां पे टेस्ट करेगा. अगर मैं मैक्सिमम पेपर मार्क्स एलोकेट करने की कोशिश करूं जो कि 30 है. But guys, obviously IS-33 is an important area, conceptual framework, theoretical question examiner बहुत बनाने की कोशिश कर रहा है. और जब भी वो theoretical questions बनाता है तो students को थोड़ा problem भी आता है, even बड़े levels पे भी. तो ये बात examiner के mind में है कि मेरे ICAP के students को theoretical questions on accounting solve करने में problem आता है, तो वो कोशिश करेगा conceptual framework को भी थोड़ा test करें. So this is the second grade of the syllabus, सेकेंड एरिया ऑफ द सिलेबस जिसमें हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन यानी रेशो एनालिसिस पे बात करेंगे, जिसमें IS-33 एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि न्यू एडिशन आई है गाइस. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे IS-8 ऐड हुआ है पहले एरिया में, और यहाँ पे IS-33 न्यू एरिया है जो कि ऐड हुआ है, जो कि पहले सिलेबस का पार्ट नहीं थे FR1 में. नाउ गाइज, आफ्टर दीज टू एरियाज, ये पढ़ने के बाद, then we'll talk about accounting for financial transactions. In other words, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने different standards पढ़ने हैं. अब अगर किसी को ये नहीं पता कि standards क्या होते हैं, मैं बार-बार word use कर रहा हूँ standards क्या हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा idea दे दूँ कि what are standards. Guys, हम सबको पता है कि we have 5 basic elements. Assets हैं हमारे पास एक element, then we have income. फिर हमारे पास लाइबिलिटी है, देन वी हैव एक्सपेंस, एंड लास्ट आपका जो एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज कैपिटल या इक्विटी. अब हम लोग इक्विटी बोलते हैं उसी कैपिटल को जो ओनर की इन्वेस्टमेंट है, उसे हम लोग आजकल कंपनी के लेवल पे इक्विटी बोला करेंगे. सो वी हैव इक्विटी. ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं गाइस. अब आपको पता है एसेट्स में आगे नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जैसे इन्वेंट्री है, जैसे अगर हम बात करें तो प्लांट है, जैसे प्रॉपर्टी है. इन द सेम वे इनकम भी डिफरेंट तरह की है. आपके इनकम दो तरह की होती है, आप रेवेन्यू होता है जो मेन बिजनेस से आता है, और इसी तरह अदर इनकम भी होती है. इसी तरह लाइबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और आगे भी कई तरह की लाइबिलिटीज है. बच्चों, ये जो एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना, मतलब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे लिखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लाइन आइटम्स. तो जो जो हम लोग लिखते हैं ना, उसे हम कहते हैं लाइन आइटम. इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू या सेल्स हमारा एक लाइन आइटम है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक लाइन आइटम है, इसी तरह बैलेंस शीट में इन्वेंट्री एक लाइन आइटम है, रिसीवेबल एक लाइन आइटम है, प्री पेमेंट एक लाइन आइटम है, प्लांट एक लाइन आइटम है,
तो सर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जो चीजें लिखी होती हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर लाइन आइटम्स गाइस। तो बच्चों होता ये है कि ये एक लाइन आइटम की सारी अकाउंटिंग, ये एक लाइन आइटम की सारी अकाउंटिंग ना एक जगह पे लिख देते हैं। वो कहते हैं यार आपको इन्वेंट्री के अकाउंटिंग में को मसला आ रहा, आपको इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, वो सारी इकट्ठी करके एक जगह पे लिख देते हैं। वो 5 पेजेस बनते हैं, 10 पेजेस बनते हैं, 15 पेजेस बनते हैं, सम सम सिचुएशंस में तो 200 पेजेस बन जाते हैं, 200 पेजेस, 250 पेजेस। अब वो जो पेजेस बने हैं ना, 250 पेजेस, 200 पेजेस, 10 पेजेस, मे बी समटाइम्स तो तीन तीन पेजेस भी हैं, 3 पेजेस, 4 पेजेस, वो एक लाइन आइटम की सारी अकाउंटिंग एक जगह पे लिखना लिख देते हैं। और हम उसे कहते हैं ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। इसका मतलब इन्वेंट्री पे भी एक स्टैंडर्ड है, प्लांट पे भी एक स्टैंडर्ड है, सेल पे भी एक स्टैंडर्ड है, इसी तरह लाइबिलिटीज में लोन पे भी एक स्टैंडर्ड है। तो फायदा ये होता है कि आपने जब एक चीज की अकाउंटिंग समझनी है ना, तो आप देखते हैं कि यार इस पे कौन सा स्टैंडर्ड है, जरा वो ओपन करो, उसमें सारा कुछ ही एक चीज का होता है। तो लोगों को फिर अकाउंटिंग जानने में प्रॉब्लम नहीं आती। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या है, किसी एक लाइन आइटम की सारी अकाउंटिंग एक जगह पे इकट्ठी हुई है, और उस छोटी सी बुकलेट को, उन कुछ पेजेस को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब गाइज ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, हम जो पढ़ते हैं और हम पाकिस्तान में जो फॉलो करते हैं, दैट आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, ये पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमारे एग्जामिनर ने कैफ लेवल पे बहुत ज्यादा शिफ्ट किया। अब कुछ देर पहले तक देखो तो बहुत कम स्टैंडर्ड्स होते थे, लेकिन अब एग्जामिनर को ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमने कैफ लेवल पे काफी ज्यादा स्टैंडर्ड्स बच्चों को पढ़ाने हैं। इस वजह से FR1 में काफी ज्यादा स्टैंडर्ड्स ऐड हो गए हैं, और FR2 के लेवल पे भी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड्स। अब गाइस कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम लोगों ने इस लेवल पे पढ़ने हैं। हम ऑलरेडी दो स्टैंडर्ड्स, तीन स्टैंडर्ड्स पे बात कर चुके हैं, बट स्पेसिफिकली थर्ड एरिया जो है, जो 30 to 40 मार्क्स का एरिया है, उसमें से अगर हम बात करें तो गाइस सबसे पहले IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की काउंटिंग कैसे करेंगे? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वो एसेट्स आते हैं गाइस जो कि आप लोगों ने यूज करने होते हैं, जो आप लोगों ने क्या करने होते हैं, यूज। सो दीज आर द एसेट्स जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं। फिर गाइस अगर हम बात करें तो देन वी हैव IS-20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। आजकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही है बिजनेसेस को, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, IS-20 पढ़ेंगे गाइस। द बिजनेस हेल्प की हेल्प करता है गवर्नमेंट, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, पाकिस्तान में कहते हैं इसे सब्सिडी। IS-20 पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट IS-23 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट मतलब आपने पैसा बोरो किया है, उस पर आप लोगों को एक कॉस्ट आई है विच इज इंटरेस्ट बेसिकली, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। इस पर भी देखें एक स्टैंडर्ड है, पूरा स्टैंडर्ड सिर्फ इस बात पर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। देन फिर एसेट्स के समटाइम्स नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उसको, उस लॉस को कहते हैं हम इम्पेयरमेंट लॉस, जो अचानक आ जाए उसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो इस तरह के लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड है पूरा। देन वी हैव IS-40 ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हमारे अब्बा जी ने खरीदी हुई है और इस इंटेंशन के साथ खरीदी हुई है कि उनकी वैल्यू बढ़ेगी और गेन्स आएंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो वी हैव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गाइस। सो दिस इज द सिलेबस और हम इसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, आप प्लीज क्वेश्चंस लिखें। तो आप लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस को लेके तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल टॉक अबाउट, आई विल टेक योर क्वेश्चन। सो 1 मिनट की खामोशी है मेरी तरफ से। सो प्लीज राइट क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।
Okay, guys, the first question is, we have a question from Mr. Talha. He's asking, would you help us in the basics of accounting? Yes, Talha, main basics pe bhi baat kar raha hoon, theek hai? Then we have another question. मिस्टर हारून कह रहे हैं सर आप हैंड नोट्स का क्या करेंगे गाइस मैं हैंड नोट्स आज ही आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो हम लोगों ने फॉलो करना है ठीक जो भी रिसोर्सेज हमने फॉलो करने हैं उसमें से मेजॉरिटी मैं आज ही शेयर कर दूंगा कुछ चीजें साथ साथ चल रही होंगी वो इस तरह चल रही होंगी कि एक स्पेसिफिक एरिया में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कहेंगे कि हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो वो फिर मैं नए क्वेश्चन बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो यस आपको हैंड नोट्स मिल जाएंगे सारे Then we have another question from Mr. Abdur Rahman, and he's asking, sir, minimum marks for short questions. Usually 5 marks, 4 to 5 marks bhi dekhe gaye hain short questions mein. So usually 4 to 5 marks minimum hote hain. Kyunki agar usne 2 marks banane hain, to fir wo ek multiple task question, yani MCQs bana leta hai. Okay, thank you so much, guys. So ye guys hamara syllabus hai. New areas kaun se add hue hain, wo clear hai hame. दो स्पेसिफिकली दो एरियाज एड हुए विच इज आईएस 1 एंड आईएस 33 ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें गाइस तो एक एरिया जो है वो हमारा डिलीट हुआ है हमारे सिलेबस में से ये प्री पहले था हमारे सिलेबस का पार्ट लेकिन बहुत अच्छा किया एग्जामिनर ने एक इंटेलिजेंट मूव कि उसने हमारे सिलेबस से आईएफआरएस 15 निकाल दिया क्योंकि एक ऐसा स्टैंडर्ड था जो कि इस लेवल पे बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल था तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आती थी IFRS 15 में इस लेवल पे तो ये उसने शिफ्ट कर दिया है FR1 से FR2 में इसका मतलब IFRS 15 अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसकी जगह उसने हमें FR2 से भेजा IS 8 इसके अलावा दो टॉपिक्स और भी डिलीट हुए हैं हमारे सिलेबस में से एक था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टॉपिक वो भी उसने खत्म कर दिया है डिलीट कर दिया इस एरिया में से और एक था कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन टू फैक्ट्री कॉस्ट तो वो भी यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है और उन दोनों टॉपिक्स की जगह एक नया टॉपिक आया विच इज आईएस 33 तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं अगर किसी ने पहले FR1 पढ़ा हुआ है तो IFRS 15 अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है देन अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी एलिमिनेट हो गए हैं और लास्ट एरिया जो कि खत्म हुआ है यहाँ से वो है फैक्ट्री कॉस्ट इंट्रोडक्शन का तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि एलिमिनेट हो गए हैं और दो टॉपिक्स जो नए ऐड हुए हैं दैट इज आईएस 8 एंड आईएस 33 गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सजेस्टेड सीक्वेंस हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे गाइस जब भी क्वेश्चन बनता है ना तो एग्जामिनर को जो प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ और आप लोगों को प्रॉब्लम जो एग्जामिनर के साथ वो ये है कि ये वाले जो स्टैंडर्ड्स है ना जब भी इन पे क्वेश्चन बना है ना तो बच्चे थोड़ा जरा एफर्ट्स करते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम में रहते हैं इस स्पेसिफिक इस टॉपिक को लेकर इन टॉपिक्स को लेके तो हम क्या करेंगे वो टॉपिक्स जो कि एग्जामिनर भी कहता है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चों को भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन टॉपिक्स को पहले टारगेट करेंगे इन अदर वर्ड्स हम ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पहले पढ़ेंगे और इसको पढ़ने की बेसिक रीजन क्या है दो रीजन पहली रीजन कि ये थोड़े डिफिकल्ट एरियाज हैं हम पहले कवर करेंगे ताकि हम मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस कर सकें बार बार प्रैक्टिस कर सकें डिफरेंट लेवल्स पे जाके टेस्ट ले सकें इनके बार बार रिवीजन कर सकें तो पहली रीजन तो ये है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसे जल्दी कवर करना पड़ेगा तो एंड पे आप इसको जल्दी जल्दी में नहीं कवर कर सकते इसलिए इनिशियली ये हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे दूसरी रीजन क्या है गाइस जब आप लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे आओगे ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स पे जब आप इन एरियाज पे आएंगे इन द सेम वे आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे आएंगे इन एरियाज पे जो कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया है उसमें ये स्टैंडर्ड्स आपको हेल्प करेंगे इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इनको पढ़े बगैर आप इसके क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं कर सकते आपको इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसलिए भी हमें पढ़ना पहले जरूरी है ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के हैं कैश फ्लोज के हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में जब इन्हीं की एडजस्टमेंट्स बन के आएंगी तो हम उसको इजीली कर सकें सो विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट गाइस ये पहले एक सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल तक था हमारे FR1 में अब उन्होंने कहा जी कंप्लीट है हम लोगों ने कंप्लीट देखना है
पहले भी कंप्लीट देखते थे, बट स्पेसिफिकली उसका जो फोकस होता था वो रिवैल्यूशन पे होता था। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने इसलिए खरीदी है कि आपने उसमें रहना नहीं है बल्कि गेन्स के लिए खरीदी है। तो ये जितने भी लोग प्रॉपर्टीज खरीद के बैठ जाते हैं, 10 साल 15 साल बैठे रहते हैं और फिर वैल्यू काफी बढ़ रही होती है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इस पे भी हमारा स्टैंड है। गाइस 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, बोरिंग कॉस्ट में 20 मार्क्स की वेटेज नहीं है। इसका मतलब है 8 मार्क्स 10 मार्क्स बन रहे होंगे इन एरियाज में से। देन गाइस वी विल कवर, जब ये एरियाज हमारे हो जाएंगे तो देन विल कवर रिविजन। फिर हम इन एरियाज की एक रिविजन प्लान करेंगे। तो हम एंड पे तो रिविजन ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे, लेकिन मैंने स्टेपल्स को तीन एरियाज में, तीन सब एरियाज में या तीन चंक्स में डिवाइड किया, और हम हर पार्ट, एक पार्ट को कवर करने के बाद एक रिवीजन प्लान किया करेंगे। तो हम पूरा का पूरा एक वीक लेंगे और इन सारे टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि हमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, जो प्रॉब्लम वाले एरियाज हैं हम उनको एक दफा दोबारा देखेंगे बैठ के, और रिवीजन करके पास्ट पेपर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विल डू रिविजन बीच में कहीं पे, विल टेक पूरा वीक फॉर द रिविजन गाइज। फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ आईएस 1 पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तीन टॉपिक्स हैं, ये 20-20 मार्क्स कैरी करते हैं गाइस, 20-20 मार्क्स कैरी करते हैं। तो गाइस ये भी 20 मार्क्स का एरिया है, गाइस ये भी 20 मार्क्स का एरिया है, फिर ये भी 20 मार्क्स के लिए। तो ये हम मेजर एरियाज को टारगेट कर रहे होंगे जब ये हम स्टैंडर्ड्स पढ़ लेंगे। तो ये तीन एरियाज पे दोबारा, उसके बाद ईपीएस जो है इस दफा 8 मार्क्स है, लेकिन आज इस अटेम्प्ट के फौरन बाद से ये 20 मार्क्स का एरिया है गाइस, एक मेजर एरिया है। तो इस इन चार टॉपिक्स को पढ़ने के बाद देन विल प्लान रिविजन ऑफ दीज फोर टॉपिक्स। हम थोड़ा रुकेंगे और तसल्ली करेंगे कि यार ये वाला एरिया हमारा अच्छा प्रिपेयर है या नहीं। तो हमें थोड़ा टाइम मिलेगा, एक ब्रीदर मिलेगा, और उस ब्रीदर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किसका कौन सा एरिया वीक है, और हम उन एरियाज पे काम कर रहे होंगे और थ्रू पास्ट पेपर्स ये काम कर रहे होंगे। एंड देन द लास्ट एरिया वुड बी गाइस IS-7 IS-8 और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये एरिया हम लास्ट में पढ़ रहे होंगे। प्रॉबेबली हम सिलेबस को एंड कर रहे होंगे गाइज 31 January 2022 को इंशाल्लाह। ये दिस वुड बी द एंडिंग डेट जिसको हम टारगेट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं गाइज। So this is the suggested sequence जो हम लोग follow कर रहे होंगे। Now guys, what is the study material जो कि हम लोगों ने follow करना? हम study material में notes follow करेंगे जो कि मैं आप लोगों के साथ share कर दूंगा। Then guys, हम लोग past papers follow कर रहे होंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि एक topic खत्म होता है तो उसके जितने past papers किए जा सकते हैं हम कर लें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जितने past papers किए जा सकते हैं कर लें, क्योंकि sometimes दो topics mix होके आते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट एरिया है, ये वाला एरिया प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के साथ, ये इम्पेयरमेंट का एरिया टेस्ट कंबाइंड टेस्ट होता है, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स का कंबाइंड टेस्ट होता है। तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि तीन एरियाज पे कंबाइंड क्वेश्चन बन रहा होता है, और वो क्वेश्चन कौन सा होता है? वो क्वेश्चन होता है सबसे पहले ये एरिया IS-16 36 IS-20 and 23, इन पे कंबाइन एक मिक्स क्वेश्चन होके आ रहे होते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस लोगों को थोड़ा मुश्किल भी लगते हैं क्योंकि ज्यादा नॉलेज यूज हो रहा होता है। तो जो क्वेश्चंस मिक्स होंगे ऑब्वियसली वो हम इन चार के को पढ़ने के बाद करेंगे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ इस एरिया पे हम वो कर लेंगे। फिर हम लोग जब ये पढ़ लेंगे IS-20, तो कुछ एरियाज जो के क्वेश्चंस जो IS-16 और 20 के मिला के हम वो कर रहे होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मेजोरिटी पास पेपर साथ साथ रखें, और जो मिक्स हो जाएं, जो मिक्स क्वेश्चंस हैं जिनमें ज्यादा चीजें हैं ऑब्वियसली फिर वो हम रिवीजन स्टेज पे कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे रिविजन स्टेज में ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि मल्टीपल टॉपिक्स में से पूछे हुए हैं क्वेश्चन, तो हम वहां पे रिवीजन में कवर कर रहे होंगे। तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि जब हमारा एक एरिया कवर हो तो हम सारे के सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर चुके हों। देन गाइस हम टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे आईकैप की, जो अभी अवेलेबल नहीं है, रात 2 बजे तक तो अवेलेबल नहीं थी, तो हम उसको फॉलो कर रहे होंगे। आईकैप की जो टेक्स्ट बुक्स हैं काफी बेहतर हो गई हैं, उनमें एक बेहतर बात ये हो गई है कि उनमें उन लोगों ने पास पेपर्स भी शामिल करना शुरू कर दिए। तो कुछ पास पेपर्स जो शामिल नहीं है वो हम सेपरेटली कर रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हैं वो भी पास पेपर्स के हैं, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस हैं, वो भी हम कवर कर रहे होंगे थ्रू टेक्स्ट बुक्स। तो हम टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे गाइस,
आई कैप की थॉरली, और हम कंफर्म करेंगे कि जो जो चीज टेक्स्ट बुक में वो हमें आती हो. देन गाइज, जो स्टैंडर्ड्स की ओरिजिनल बुक है ना, उसे हम लोग कहते हैं रेड बुक. तो वो उसका कलर रेड होता है, दैट्स व्हाई वो हम उसे रेड बुक कहते हैं. तो रेड बुक में ना किसी भी स्टैंडर्ड में, किसी भी स्टैंडर्ड की रेड बुक में कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं. हम वो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी कर रहे होंगे, मैं हर स्टैंडर्ड के साथ साथ वो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी करा रहा हूँगा. मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली मैं खुद कवर कर रहा हूँगा. और मेरी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स में कई एग्जाम्पल्स होंगी जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स होंगी, तो हम ये भी कवर कर रहे होंगे फ्रॉम द रेड बुक. इन अदर वर्ड्स, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे तो आप जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स की बुक है जिसमें स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, उसकी आप कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं उनको जाके देखेंगे तो वो आपको आती होंगी, वो हम सिलेबस में ही कवर कर लेंगे. देन गाइज, पास्ट पेपर्स फ्रॉम अदर बॉडीज लाइक ACCA के पास्ट पेपर्स हम सॉल्व कर रहे होंगे ऑन रेलिवेंट एरियाज, ICA, EW के हम पास्ट पेपर्स कवर कर रहे होंगे. उसको कवर करने की जरूरत इसलिए है कि जो हमारा एग्जामिनर है वो कॉन्स्टेंटली देख रहा है कि अदर बॉडीज किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही हैं, और उसकी बड़ी कोशिश होती है कि वहां से एक आइडिया ले, वहां से चीजें ले और उनकी वैल्यूज चेंज करके थोड़ा सा मेंड करके वो क्वेश्चंस पूछ ले. तो वी विल बी कवरिंग द पास्ट पेपर्स फ्रॉम अदर बॉडीज एज वेल. देन IFRS फ्रॉम रेड बुक्स, ऑब्वियसली हम जो भी स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे होंगे वो रेड बुक से पढ़ रहे होंगे, और ये रेड बुक से ही डिजाइंड है सारे के सारे नोट्स, रेड बुक से ही डिजाइंड है आपकी टेक्स्ट बुक, तो हम ऑब्वियसली वहां से भी हेल्प आउट ले रहे होंगे. देन लास्ट एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, दैट इज एग्जामिनर्स कॉमेंट. एग्जामिनर्स कॉमेंट, एग्जामिनर हर पेपर के बाद गाइज जब रिजल्ट आ जाता है आप लोगों का, तो अपने कॉमेंट्स शेयर करता है कि यार बच्चों ने क्या प्रॉब्लम्स, अब क्या गलतियां की हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या है, ये एग्जामिनर्स के कॉमेंट्स में होता है. इसको हम कोशिश करेंगे कि जब हम एक क्वेश्चन पास्ट पेपर का कर रहे हैं ना, तो उसके साथ ही, उस क्वेश्चन के साथ ही मैं आप लोगों के साथ एग्जामिनर्स कमेंट शेयर किया करूंगा. मतलब मैं, हम क्वेश्चन क्लास में करेंगे, फिर हम एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के ये अंदाजा लगाएंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो बच्चे बार बार कर रहे हैं. तो एग्जामिनर उनके बारे में हमें बता रहा होता है, फिर हम उनके ऊपर साथ साथ बात कर रहे होंगे, ताकि हमारे माइंड में हो कि यार कौन सी ऐसी गलती हैं जो कि लोग रिपीट करते हैं जाके हर एग्जाम में, और वो हमने नहीं करनी. तो वी विल इंश्योर कि एग्जामिनर के कमेंट से हम सीख सकें कि कौन सी गलतियां हम लोगों ने नहीं करनी. सो दिस इज द स्टडी मटीरियल गाइज जो हम फॉलो कर रहे होंगे. नाउ गाइज, रेड बुक्स में तीन पार्ट्स होते हैं. रेड बुक जो स्टैंडर्ड्स की बुक्स है जिसमें ओरिजिनली स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, उनकी तीन पार्ट्स होते हैं. उनमें से जो हमारे लेवल पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स वाला पार्ट, पार्ट बी, इसमें सिर्फ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ये हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे. रेड बुक से स्टैंडर्ड पढ़े जा सकते हैं इस लेवल पे, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप रेड बुक ओपन ना करें, क्योंकि हम लोग जो जितनी चीजें भी पढ़ा रहे होते हैं वो सारे की सारी स्टैंडर्ड से ही पढ़ा रहे होते हैं. तो मैं जो कवर कर रहा हूँ उससे रेड बुक कवर हो जाएगी, लेकिन एट द एंड अगर आप मुझे कहेंगे कि कोई एक दो स्टैंडर्ड्स वहां से हमें दिखाते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, जरा थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, ज्यादा डिफिकल्ट होती है, कोई वैल्यू नहीं लिखी होती, सिर्फ थ्रेटिकली एक्सप्लेन किया होता है, तो लोगों को थोड़ा मसला आता है. तो रिकमेंडेड नहीं है कि आप रेड बुक पढ़ें, बट यस, अगर एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिया है तो आप उसकी रेड बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ सारा आ जाएगा. बट ऑब्वियसली पार्ट बी के इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में बार बार कवर कर रहा हूँ हमारे सिलेबस में. गाइज, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड ओरिएंटेशन. अब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा, एंड दैट इज के पास्ट पेपर एनालिसिस क्या है. पास्ट पेपर एनालिसिस थोड़ा इसलिए वैलिड नहीं रहा कि अब क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से रिवाइज हुए हैं, तीन टॉपिक्स, मेजर तीन टॉपिक्स थे वो हमारे पेपर में से निकल गए हैं. लेकिन सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह का बनता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एग्जैक्टली पास्ट पेपर्स का एनालिसिस क्या. तो एक छोटा सा दो पेपर्स का एनालिसिस मैंने ओपन किया टू गिव यू एन आइडिया कि यार किस तरह के क्वेश्चंस होते थे. जो टॉपिक्स अब नहीं रहे सिलेबस का पार्ट हूं, मैं एलिमिनेट कर दूं, उनकी जगह मैं नया टॉपिक लिख दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2020 गाइस. सबसे पहले ना क्वेश्चन वन उसने बनाया, सेक्शन ए में हमें पता शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं. देखिए मार्क्स है 8. एक एरिया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का, फैक्ट्री कॉस्ट का इंट्रोडक्शन का, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो आप इसकी जगह कर लो IS 8 या IS 33. ये आप अज्यूम करें कि सेक्शन ए में या आईएस 8 था 8 मार्क्स का या 33 था, और ये ज्यादा चांसेस भी यही है कि आईएस 8 और 33 ये सेक्शन ए में पूछेगा. तो एक शॉर्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का, देन फिर एक सेकंड क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ लिमिटेशंस थी, 4 लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस थी. क्रिटिकल टॉपिक है
जिसमें हम सिखाते हैं कि एनालिसिस में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं। थ्योरेटिकल 4 पॉइंट्स लिखने थे आपने और आपको 6 मार्क्स मिल जाने थे। तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन, आप कह लें कि एग्जामिनर ने पास करने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो एक छोटा क्वेश्चन, अभी भी सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैंने क्रॉस नहीं किया। देन फिर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एक और आया 8 मार्क्स का, और वो था IS-20 पे और IS-36 पे। अब ये देखें, 36 एंड IS-20 दोनों एक स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके उसने पूछा। इस तरह के क्वेश्चंस लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी वजह से हमने रिवीजन प्लान किया कि जब हम स्टैंडर्ड सारे पढ़ लेंगे तो फिर हम एक रिवीजन करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि यार मिक्स क्वेश्चंस कैसे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखें जरा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गाइज उसने, जो तकरीबन आपके बनते हैं 22 मार्क्स के। फिर 4 जो क्वेश्चन था इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 9 मार्क्स के। तो ये जो एरिया आया आप लोगों का, ये बना 31 मार्क्स का। तो सेक्शन ए 31 मार्क्स का था इन सितंबर 2020। फिर सेक्शन बी में गाइस आईएफआरएस 15 पूछा। अब आईएफआरएस 15 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है गाइस, अब ये सिलेबस में से निकल गया। अब आप इसकी जगह IS-8 और 33 में से कोई एक अज्यूम कर लें कि पेपर में आएगा। ऑल्दो इस दफा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये 2 स्टैंडर्ड्स में 8 मार्क्स पूछेगा। तो ये 2 स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन 1, 2 या 3 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बने। देन गाइज वी हैव अनदर 17 मार्क्स का क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे। फिर 17 मार्क्स का क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे, आप इसको कर सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप कर सकते हैं इसको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर गाइज क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया था ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, जो हमारा पहला एरिया है, ये हमारा पहला एरिया। तो अगर हम पहले एरिया को टारगेट करें तो उसमें से हमारे इस पेपर में जो जो चीजें आई हुई हैं, अगर हम उनके ऊपर बात करें तो गाइज ये 8 मार्क्स आए हुए हैं, ये 20 मार्क्स आए हुए हैं। तो 28 मार्क्स स्टैंडर्ड्स में से पूछे हैं, जो कि हम लोग जिसे हम पार्ट सी कह रहे हैं, जो इनिशियली हम कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर मार्च 2021 का आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूं, वी हैव 1 मिनट। तो 8 मार्क्स का उसने हमसे कैश स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछी, और उसमें IS-16 भी पूछा, ये IS-16 के साथ पूछी उसने। फिर गाइस 8 मार्क्स के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स वाज अ परमानेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। 8 to 15 मार्क्स आते होते थे, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसकी जगह IS-33 कर लें। Then we have IFRS 15, 8 marks का, ये भी हमारे syllabus का part नहीं है, आप इसकी जगह IS-8 कर लें। फिर MCQs हैं guys, more or less इसी तरह का question आप expect करेंगे इस दफा। Incomplete records syllabus का part नहीं है, इसलिए income and expenditure accounts आप इधर consider कर लें। 18 marks के ratio analysis, 17 marks का आया, और ये देखेंगे छोटे छोटे standards, multiple standard questions, यानी एक ही question में part A था IS-16 पे 20 पे, part B था 40 पे, और part C था IS-23 पे, और ये ब्रैकेट्स में मार्क्स लिखे हुए हैं कि मार्क्स कितने कैरी कर रहा था ये, और ये IS-17 मार्क्स 16 में से। तो अगर गाइस आप कंफर्म करना चाहते हैं कि कौन सी चीजें आएंगी, तो गाइस 16 देखें कंफर्म है, ये हर पेपर का पार्ट होता है, कभी 20 मार्क्स कभी 17 मार्क्स, लेकिन अप टू 20 मार्क्स का 16 कंफर्म है। यही हमारा पहला टॉपिक है, इसका मतलब जो पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इट विल कैरी इन एग्जाम अराउंड 17 टू 20 मार्क्स। 16 से स्टार्ट ले कर ले आप 20 मार्क्स तक, ये कंफर्म आता है, तो हमारा पहला टॉपिक है वो होगा। इसके बाद गाइस ये वाले टॉपिक्स होंगे जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इधर भी पूछे हुए थे उसने और इधर भी पूछे हुए हैं। तो दिस वाज द पास्ट पेपर्स एनालिसिस, और इसमें कुछ एग्जामिनर्स कमेंट्स हैं जो मैं आज कवर नहीं कर पाया, इंशाल्लाह कल से देखते हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं कल से इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वेल एज आपका इंट्रोडक्शन भी लूंगा, और हम देखेंगे कि जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उनके साथ हम लोगों ने क्या करना और हम कैसे सिलेबस को लेके चलेंगे गाइस। तो वी विल प्लान द अपकमिंग क्लासेस और वो अकॉर्डिंगली कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मिक्स किस तरह का, और हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे होंगे। जी गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन, और फिर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं आज की क्लास को। जी प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज राइट क्वेश्चन। जी गाइज, क्लासेस के बारे में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा यार कि क्या प्लान्स हैं। अभी तक क्लासेस यही हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 8 o'clock स्टार्ट किया करेंगे और 9 o'clock खत्म करेंगे, एंड वी विल हैव अ क्लासेस। सैटरडेज हम लोग ऑल्टरनेटिव वीक्स पे ऑफ किया करेंगे,
क्योंकि हमने इंट्रो भी कवर करना है, तो ऑल्टरनेटिव वीक्स ऑफ हुआ करेंगे। इसका मतलब एक सैटरडे ऑन और एक सैटरडे ऑफ। ठीक है मिस्टर तलहा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।